ये मेरे पास थाई के टिक्के हैं और आज इनसे बनाएंगे आपके लिए। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको क्लीन करके और टिक्का साइज काट लिया। अगर आपको छोटा काटना है जब आपको तंदूर में नहीं लगाना है तो ओके। तो पहले कभी भी ये जो मैं फॉलो करता हूँ वो करता हूँ मैं 24 घंटे मैरिनेशन के लिए कोई भी टिक्का। तो इसको पहले फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं ओके। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हल्का सा हम लगाएंगे इसके अंदर सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो चाहिए ही चाहिए उसके। और 1 स्पून लगाएंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ये है मेरे पास फ्रेश लेमन, हाफ लेमन ऐड करेंगे। और मैरिनेशन के लिए जैसे कि मैंने बोला 24 आवर्स अपने को करना है, तो आप इसमें थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 8 घंटे 10 घंटे। कुछ लोग तो हैंड टू हैंड बनाते हैं बट वो चीज़ मज़ा नहीं आता है ओके। तो आपके पास टाइम होना चाहिए बराबर। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और जैसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे, तब तक इसका बनाएंगे क्या जो है हरियाली टिक्के का मसाला। लेते हैं अपना एक ब्लेंडर का जार, इसके अंदर मैंने अच्छा सा एक कप, देखिए मेरे पास एक कटोरी है, इसके मेजरमेंट से मैंने धनिया धो के अच्छी तरह क्लीन करके रखा हुआ है। सेम क्वांटिटी में पुदीना अच्छी तरह वॉश करके इसको भी रखा हुआ है स्टम्प के साथ ओके। डंडी इसके अंदर रहनी चाहिए। और ये मेरे पास है ग्रीन चिल्ली 3, 4, 7 और 4, 11, 11-12 चिल्ली जो है इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्पाइसी यहाँ पर नहीं होती, तो ये आपको देखना है कि स्पाइसीपन कितना है ओके। यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ 50 से 60 ग्राम अदरक और 6 पीस हम गार्लिक साबुत क्लोव यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 स्पून सॉल्ट और साथ में ऐड करेंगे 2 से 3 फुल स्पून जो है सनफ्लावर ऑयल के। यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पानी इसके अंदर बहुत कम चाहिए, 4 क्यूब आइस के साथ में आइस वाटर ऐड करेंगे और इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। इसका बना लेते हैं एकदम फाइन सा पेस्ट। पेस्ट देखिए अपना एकदम फाइन एंड ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। ये मेरे पास है हैंग कर्ड, ये ओवरनाइट हैंग किया हुआ है तो मैं इसमें से थोड़ा सा बचाऊंगा और इतना ही ऐड करेंगे करेंगे मिक्स। करस की हुई कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून से 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हल्का सा यहाँ पर ऐड करेंगे येलो चिली पाउडर, हल्का सा ब्लैक ब्लैक सॉल्ट करें मिक्स। मसाला अच्छा सा हमारा मैरिनेशन हो गया। हल्का सा 2 स्पून मैं लगाऊंगा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, जैसे मैंने पहले बताया आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैरिनेशन जो हमारा चिकन था उसके ऊपर ऐड करेंगे अपना हरियाली का मसाला। अब इसको क्या करेंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे, मसाला पूरा निकाल लेंगे और 1 चम्मच जरूर 1 स्पून लेके चेक जरूर करें मसाले को, एकदम चटकारे आने चाहिए हरियाली का मतलब। और यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए और छोड़ूंगा 2 से 3 घंटे क्लीन रैप और अच्छे ढंग से इसको रखेंगे, जो मैंने बोला 5-6 घंटे जितना भी आपके पास टाइम हो, 1 घंटा हो, जितना ज़्यादा मैरिनेशन को टाइम देंगे उतना आपके कबाब टेस्ट। अच्छा सा हमारा चिकन जो है हरियाली मैरिनेशन हो चुका है। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तंदूर के अंदर, ये मेरे पास स्क्यूबर है और ये तंदूरी स्क्यूबर है। आपके पास अगर तंदूर की स्क्यूबर नहीं है या तंदूर नहीं है तो आप कैसे घर में बना सकते हैं, उसके लिए इसके जो पीस है इसका 1/2 करें, छोटे पीस कट करें और हल्का सा चारकोल का स्मोक देंगे और पैन में ग्रिल कर लेंगे तो आपका तंदूर का फुल के। इस तरह हम एक पोर्शन को अपना रेडी करेंगे, ये जाएगा हमारा तंदूर के अंदर और इसको 10 से 12 मिनट कुक होने में टाइम लगेगा। एकदम शानदार, देखे कलर देखे कबाब देखे है ना, तो इसको हमारा एग्जैक्ट। अब हम करते हैं इसको प्लेटिंग आराम से प्लेट में, जैसे हमने लच्छा प्याज लगाया हुआ है, मिंट सॉस लगाई हुई है, थोड़ा सा रिंग अनियन, हल्की सी चटनी पोर करेंगे ऊपर से, वैसे इस टिक्के को चटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम शानदार, खिलाएं खाएं एंजॉय करें। चपन फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी में। सी यू, बाय, लव इट, लाइक इट, शेयर इट, थैंक यू।